ये JVP मीडिया ग्रुप और राजस्थान मीडिया के डायरेक्टर हैं। श्री लाला बाबा धाम पर कई VIP की विजिट हुई है, तो आज धनराज जी हमारे साथ है। धनराज जी जय हिंद करो सबको। जय हिंद सभी को। तो सभी को जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, हमारे नए व्लॉग में। और आज अभी बस 15 मिनट नहीं, आधा घंटा पहले भाई साहब से बात हुई होगी। और एक आज उनका आप थोड़ी सी स्टोरी बताइए, अपन जा कहाँ रहे हैं, थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करो। आज हम जा रहे हैं पास ही में गाँव है किवाड़ा, लाला बाबा जो कि एक देवता है, लोक देवता जिसे हम कह सकते हैं, मतलब जहाँ पर शहीद हुए थे वहाँ पर उनका स्थान अच्छा सा बनाया गया है। हम आपको वहीं लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे वहीं पे। और ये मतलब इतना अच्छा है, मतलब ऐसी जगह पे जाने का मौका मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, क्योंकि है ना उनका सर धड़ से अलग हो गया था, उसके बावजूद वो लड़ते रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज वहाँ जाने का मौका मिल रहा है और आपको एकदम नेचुरल तरीके से, एकदम हम एकदम बिंदास तरीके से, भाई साहब को क्या वैसे वीडियो फोटो सब बढ़िया लगता है, इस बार भाई साहब को थोड़ा ऐसे कैमरा फ्रेंडली बनाएंगे, फिर भाई साहब भी धीरे धीरे व्लॉग और वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। और ये लोकेशन देखिए आप, कितना मस्त एकदम धासु नज़ारा हो रखा है, इतना शानदार नज़ारा। ये अकेडमी का ही अपना ग्राउंड है, तो यहाँ पे हम आए और देखा कि यार क्या मौसम हो रखा है, तो यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बस आपको थोड़ा सा बताना है, ये शुरुआत में जरूरी था कि हम जा कहाँ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ग्लिम्स होना चाहिए, बाकी जो जो हम करेंगे वो तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा का कार्य है और मेन खाने का भी है, तो आप समझ रहे हो हमारा खाने से हमें कितना प्रेम है। हमारा मेन खाने का प्रेम है, पर चलो वो भी एक अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह, सब सही है। अभी हम देखो रास्ते में जा रहे थे, तो ये जो को यार एक तो नज़ारे ही इतने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। बाकी मैं जो दिखाना चाह रहा था, ये वाला जो नज़ारा है पीछे की साइड, आप देखिए गौशाला है, वापस मैं गौशाला पे आ गया, क्योंकि हमें मतलब गौशालाओं से प्रेम नहीं हो गया है, जहाँ गौशाला दिखी एक तरह से खुशबू आ जाती है। तो अभी गौशाला दिखी रास्ते में, तो आने की इच्छा हो गई, पूरी कहानी पूछी, तो कभी एक जैसे बाबा कह रहे थे कि स्पेशली यहाँ का एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, जो प्रकाश दास जी महाराज है वो जब यहाँ पे आएंगे, रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो बाबा ने कहा है वो मुझे फ़ोन करेंगे या मैसेज कर देंगे, तब यहाँ पे स्पेशल एक अपन बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, पूरा अच्छे से इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि ये क्या है, है ना। बाकी ये देखिए आपको बस थोड़ा सा मैं ब्लॉग के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि कितना बहुत ही रिलैक्सिंग जगह है, और यही पास में ही वो जगह है जहाँ से उनका सिर कटा था, धड़ से अलग हो गया था, वो पास में ही है वो। तो ये बता रहे थे, मतलब पूरा हमको बाउंड्री भी बता रहे थे, ये जगह है, ये है, और मतलब बहुत अच्छी लगी कहानी। तो अपने को तो बस ये लगता है कि गौशाला है, बस ठीक है, यहाँ पे दूध निकाल के बेचते होंगे, ये करते होंगे, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब आप लोग सच्ची में यहाँ की हिस्ट्री जानेंगे ना, तभी आपको पता लगेगा। अब हिस्ट्री में इतना बोल चुका हूँ, ये तस्करी के लिए लोग ले जाते हैं गायों को, आपको पता होगा, तो तभी से ये शुरू हुआ, पर बहुत अच्छा लगा है गौशाला का। अब अपने को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, अपन लेट हो गए ना, वो वाली जगह भी दिखाते हैं। अब मेन उधर जा रहे थे अपन, तो अब गौशाला अगर आई गई थी, रुकी देख ही रहे थे अगर गौशाला को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिखा दें। और हमने ये कैमरा शूट, तभी हम अंदर जाके आ चुके हैं, हम कम से कम आधा घंटा अंदर बैठे हैं। सभी को लमसम लमसम एक बार ये फील लेना चाहिए, फील लेना चाहिए, गायों में जो खुशबू आती है वो देखना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी जगह की जो खुशबू है, एनवायरमेंट है ना, नेक्स्ट लेवल है, मतलब कह ही नहीं सकते इस जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, चलते हैं वहाँ जाके, अब आपसे मिलते हैं। और बहुत अच्छा है ये जो आपको अभी दिखाया पूरा एरिया, इसी के बीच में ये चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ की यही लग रही है। यहाँ पे अगर सोचो बारिश हो जाएगी, पूरा पानी होता अगर इधर, तो कितना सुंदर ये लगता।
पर अभी बारिश के ही देना, जब बारिश आ जाएगी तो मेरे हिसाब से पूरा भर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक हरिराम जी भाई साहब है, उनसे आपको मिलवाते हैं और वो बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उन्हीं से एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप लेते हैं, उन्हीं से वही समझाएंगे आपको कैसा क्या इस जगह का महत्व है और ये जगह कैसी थी, क्या थी, किसके बारे में थी, और उनके बारे में भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको उसी समय दूंगा जब वो हमारे पास में बैठे होंगे। उन्हीं के पास चलते हैं, अब देखते हैं क्या रहता है। तो नमस्कार भाई साहब, हरिराम जी भाई साहब। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपको इनसे मिलवाऊंगा, ये JVP मीडिया ग्रुप और राजस्थान मीडिया के डायरेक्टर हैं। और सबसे पहले अनिल जी गुरु जी, जिनको आप जानते हैं, उन पर इन्हीं का आता सबसे ऊपर। जैसा कि गुरु जी ने मेरे को पहले कहानियाँ बताई है इनकी, तो बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे वीडियो में आए, इसीलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मतलब लोगों को भी ऐसा पता लगे कि इस जगह का क्या महत्व है, और थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी बताइए प्लीज। श्री राला बाबा धाम किवाड़ा में हजारों वर्षों से यहाँ पर आस्था का धाम है। पिछले 20-25 सालों से बड़े स्तर पर मेले का आयोजन होता है ज्येष्ठ अमावस्या पर। उस मेले में हमारे यहाँ पर सामाजिक समरसता का माहौल देखने को मिलता है, और राजस्थान का एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर होता है, जिसमें शिक्षा, संस्कृति, कला, उसका सम्मान होता है, और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का अभिनंदन होता है, सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होती है, संतों के भजन प्रवचन होते हैं, और सब सामाजिक सुधार और सामूहिक एकता का परिचय देते हैं। साथ ही धर्म के हिसाब से भंडारे, प्रसादी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। कई संतों के तप यहाँ पर हुए हैं। श्री राला बाबा धाम पर कई VIP की विजिट भी हुई है। हमारे ज्येष्ठ अमावस्या के मेले में केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, BJP प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधायक, जिला प्रमुख, ऑफिसर्स, कलेक्टर, SP आते रहे हैं। विशेष रूप से यहाँ की विजिट मॉडल तालाब को लेकर डिविजन कमिश्नर ROC मलिक की हुई थी, जिससे हमारे को बहुत संबल मिला, और अब हम संपूर्ण राला बाबा के इस सरोवर को रिंग रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, जिसमें औषधि पौधों का कॉरिडोर होगा, साथ ही पूरी तरह एक ऑक्सीजन प्लांट के रूप में काम करेंगे। गांव में हम ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रहे हैं। यहां पर आने वालों का बड़ा मान सम्मान अभिनंदन होता है। श्री राला बाबा धाम का इतिहास गाय, न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदान होने का है। जो हजारों वर्ष पहले गाय के लिए, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए वो यहाँ पर बलिदान हुए थे, और आज उनकी याद में जैसे वीर तेजाजी का इतिहास है, उसी समान लोकदेव श्री राला बाबा का इतिहास है। यहाँ चमत्कारिक स्थान है, जो भी श्रद्धा से आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है, और जो कोई किसी तरह का षड्यंत्र करते हैं, कुछ सी सोच रखते हैं, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। इसलिए यहाँ पर कल्प वृक्ष भी है, जिसके नीचे आप सर्व जन कल्याण की कामना करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपने आप में कमल सरोवर जो भगवान विष्णु को प्रिय है, यहाँ पर औषधीय पौधे हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से हमें ऑक्सीजन देते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक साधना का केंद्र है, बालाजी का स्थान है, शंकर भगवान का, श्री राला जी का है, और गांव में सामाजिक समरसता का एक अनूठा संगम है, और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए अध्यात्म के हिसाब से, मनोरंजन की दृष्टि से, शिक्षा के हिसाब से और सेवा के हिसाब से ये एक आदर्श स्थल है, और हमें गर्व है कि हम इस स्थान के सेवक हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि मेरे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल होते हैं JVP मीडिया ग्रुप के, वो श्री राला बाबा की कृपा से ही संपन्न होते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन के गेट पर भी हमने बाबा की तस्वीर लगाकर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किया है, तो मैं तो पल पल इसको महसूस करता हूँ। हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए उस ईश्वरीय शक्ति को, जिसकी बदौलत हमारा जीवन है। और भाई, आज ब्लॉग में हमें शामिल किया, मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, और अनिल बहुत मेहनती, जुझारू और सफलतम व्यक्तित्व में इन दोनों की उज्ज्वल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं फिर थोड़ा सा कुछ, आज आप ब्लॉग में नहीं आए, इसका दुख हो रहा है, इसलिए आप बोलो, इसलिए ब्लॉग में ले लिया। आप नर सेवा, नारायण सेवा, इसी उद्देश्य के साथ हम ये कार्य करते हैं, सेवा का, और करते रहेंगे हमेशा, जब भी मौका मिला है ऐसी सेवा का। थोड़ा सा तेज करेंगे। तो आज ब्लॉगिंग के स्टाइल से हुई नहीं है, आज हमें कैमरामैन हमारे साथ रख रखा है, कैमरामैन को हम ले नहीं पाए, कोई बात नहीं, इन फ्यूचर जरूर लेंगे। हम भी आज इन्हीं से पहली बार मिले थे, और आज इस तरीके से ब्लॉग शूट हुआ है हमारा। अंधेरा हो गया है, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, तो थोड़ा बहुत उजाला है, हमने सोचा फटाफट रिकॉर्ड करते हैं। क्यों धनराज जी? बिल्कुल। और धनराज जी ने भी आज पूरे व्लॉग में साथ दिया हमारा, शेयर करी, प्रेम शेयर करा पूरे टाइम। तो आज इस तरीके से अच्छे से करने की, धीरे 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 बहुत बढ़िया बढ़िया इनके भी व्लॉग देखेंगे अपन, इनके देसी वाले गाँव वाले व्लॉग आएंगे, जिसमें अपन भी जाएंगे और ये भी बनाएंगे, धीरे धीरे शुरू करवाएंगे इनको। तो आज आपको हरिराम जी भाई साहब और इन सबसे मिलवाया, उन्होंने जो बताया हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि वो उन्होंने हमारे व्लॉग में आके बोला, तो यही बहुत बड़ी बात थी। और आपको ये सब कुछ कैसा लगा? एकदम रैंडम था, और ये जगह आपको दिखानी थी तो बहुत कभी ऐसे देव
जो देव स्थान होते हैं वहाँ पे आया करो ताकि पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी कोई बात नहीं वो महसूस होती है, एक बार आके जरूर देखो। जैसा कि धनराज जी ने बताया कि ऐसी जगहों पर आता रहना चाहिए और जैसे जैसे भी मुझे मौका मिलेगा मैं हमेशा कैमरा लेके उठा के तैयार हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये अपना शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ को ऐसे रिकॉर्ड करना और ये इतनी अच्छी चीज़ है जो कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। और मैं सोचता हूँ कि जैसे जैसे भी मौका मिलेगा आगे भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी रिकॉर्ड करेंगे अपन, है ना, हम ज़रूर शूट करेंगे, आपको बताएंगे एकदम देसी नेचुरल भाषा में कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है, कैसे कैसे सारे काम होते हैं, ऐसी चीज़ें हम बताते रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को, इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा। हाँ कमेंट में जरूर बताएं कि ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद भारत माता की जय।